Hello friends, welcome to my channel. Friends, today I am going to show you how to do filming of epilepsy protocol or TLE protocol भी बोल सकते हैं. उसका filming कैसे करना है, कितना चीज show करना है, starting point, ending point, कितना zoom करना है, क्या सही से दिखाना है, वो सब कुछ मैं आपको ये video में बताने जा रहा हूँ. Okay, so let's start. So सबसे पहले मैं आपको बता देता हूँ के फुल ब्रेन विथ एपिलेप्सी किया है. तो सीक्वेंस मैंने लिया है एक्सल टी टू फुल ब्रेन, कोरोनल फ्लेयर फुल ब्रेन के लिए, सैच टी टू, एक्सल डिफ्यूजन, एक्सल टी वन, एक्सल ग्रेडियंट. और एपिलेप्सी के लिए मैंने तीन लिया है, एक तो कोरोनल 3DIR, कोरोनल टी टू थिन फॉर हिपोकैम्पस एंड कोरोनल फ्लेयर थिन फॉर हिपोकैम्पस. ये इतनी सीक्वेंस है, इसको कैसे सेटिंग करना है, कितना कितना फिल्म में देना है, वो मैं सब आपको ये वीडियो में बताने जा रहा हूँ. ठीक है, सो लेट स्टार्ट. अभी देखो, फाइव फिल्म्स देना है. उसमें मैंने सबसे पहले यहाँ पे जो आईआर वाला सीक्वेंस लिया है उसको कैसे स्टार्टिंग पॉइंट कैसे करना है कि देखना कि यहाँ से हिप्पोकैम्पस हेड स्टार्ट हो रहा है. ओके, सो यहाँ से स्टार्ट करना है, हिप्पोकैम्पस का हेड स्टार्ट हो रहा है, उसका एक इमेज पहले से देना है. मेरे पास यहाँ पे है टोटल 70 इमेजेस. ये आयर वाली जो सीक्वेंस ली है उसमें मेरे पास 70 इमेजेस है. तो मैंने क्या किया है कि फर्स्ट दिया है, सेकंड को छोड़ दिया, थर्ड दिया है, फोर्थ को दिया, ओके, फिर फिफ्थ को छोड़ दिया, सिक्स दिया, ऐसे मतलब एक ऑड इवन करके मैंने सब कुछ यहाँ पे फिल्म में डाल दिया. तो 35 मैंने ये एक जो ग्रुप है 35 का बनाया है. स्टार्टिंग पॉइंट यहाँ से लेके ये एंडिंग पॉइंट है हिप्पोकैम्पस का. ये टेल, यहाँ पे ये टेल एंड हो जाता है. ओके, ये पोस्टीरियर पोर्शन ऑफ लेटरल वेंट्रिकल से यहाँ पे हिप्पोकैम्पस का टेल एंड हो गया. तो लास्ट इमेज यहाँ पे यहाँ इतना देना है. ओके, तो यहाँ पे हिप्पोकैम्पस हेड स्टार्ट हो गया. दो इमेज मैंने पहले से दिया, यह हेड स्टार्ट हो गया, ये टेल यहाँ पे एंड हो गया. तो टेल यहाँ तक मैंने इमेज दिया है. ठीक है, मैंने क्या किया कि एक्सल टी वन को यहाँ पे नीचे मिक्स कर दिया है. ये इतना जूम कर देना, ओनली हिप्पोकैम्पस ही दिखाना है, हिप्पोकैम्पस ही ऐसा दिखाना है जूम करके. और ये एंटीरियर पोर्शन ऑफ लेटर वेंट्रिकल्स और ये हिप्पोकैम्पस. ओके, इतना जूम कर देना. एक फिल्म ये हो गया. दूसरा फिल्म मैंने कोरोनल फ्लेयर लिया है और थिन टी टू हिप्पोकैम्पस के लिए. तो मैंने क्या किया कि 20 इमेजेस लिया है, 20 में से फर्स्ट निकल दिया, लास्ट निकल दिया, 18 इमेजेस ऊपर डाल दिया, और ये भी 20 था, इसका देख लिया कि हिप्पोकैम्पस हेड कहाँ से स्टार्ट हो रहा है. तो मैंने हेड का ही एक इमेज पहले से दिया, और सेम यहाँ पे टेल एंड होता है. तो यहाँ पे मतलब 18 इमेजेस ये हिप्पोकैम्पस का जूम कर दिया, थिन टी टू वाला, और कोरोनल फ्लेयर लिया था फुल ब्रेन के लिए वो दे दिया. तो इसको जूम इतना करना कि ओनली हिप्पोकैम्पस दिखना चाहिए, एंटीरियर पोर्शन ऑफ लेटरल वेंट्रिकल्स, इतना जूम कर देना. और इसका क्या है कि लेवल विंडो ऐसे डार्क करके देना, डार्क करके देते हैं तो ही हिप्पोकैम्पस में सिग्नल रहेगा तो दिखेगा. सेकंड फिल्म हो गया. थर्ड फिल्म एक्सल टी टू को जूम करके दे देना. 20 इमेजेस मैंने लिया है तो मैंने 20 का फॉर्मेट करके इसको ऐसा जूम करके एक्सल टी टू जूम करके दे दिया. ओके, थ्री फिल्म्स हो गया. अभी फोर्थ फिल्म में डिफ्यूजन का 20 इमेजेस था, उसका पहला निकल दिया, लास्ट निकल दिया, 18 इमेजेस ऊपर और 18 इमेजेस ग्रेडियंट का. ग्रेडियंट को इसके लिए जूम करके दे रहा हूँ, कुछ कैल्सिफिकेशन वगैरह होगा तो इसके लिए ये बड़ी इमेजेस देना जरूरी है. तो एक्सल डिफ्यूजन, एक्सल ग्रेडियंट मिक्स हो गया फोर्थ फिल्म. फिफ्थ फिल्म में मैंने जो थिन हिप्पोकैम्पस के लिए फ्लेयर लिया था उसको मैंने यहाँ पे जूम करके डाल दिया. और यहाँ पे मैंने सजाइटल ओनली हिप्पोकैम्पस जो मैंने कोरोना लिया, जो आईआर वाला लिया है, उसके अंदर से रिफॉर्मेट करके मैंने यहाँ पे सैज राइट मीडियल टू लेटरल, लेफ्ट मीडियल टू लेटरल, ऐसे करके मैंने जूम करके यहाँ पे हिप्पोकैम्पस दिखा दिया. तो टोटल फाइव फिल्म्स हो गई है. ठीक है, ये जो लास्ट वाला जो फिल्म जो है ये ऑप्शनल है, वैसे मैं चार फिल्म्स ही देता हूँ. एक कोरोनल फ्लेयर जो थिन लिया ना उसको ऐसा जूम करना, ओनली हिप्पोकैम्पस दिखना चाहिए. ओके, दोनों हिप्पोकैम्पस जूम करके जैसे टी टू थिन दिया है वैसे ही देना है. ठीक है, और इसको ऐसा ब्लैक करके ही देना है, ऐसा ब्लैक इमेजेस होगा ना तो ही ये फ्लेयर में सिग्नल रहेगा तो दिखेगा सही से. ठीक है, ये सैज को मैंने 20 इमेजेस दिया, 10 इमेजेस ये राइट हिप्पोकैम्पस डाल दिया और लेफ्ट का 10 इमेजेस डाल दिया, उसको जूम कर दिया.
ओनली ए हिप्पोकैम्पस हेड बॉडी टेल, इतना जूम करके मैंने सिर्फ इमेज में बता दिया है। ठीक है, वापिस से बता रहा हूँ, 5 लिम्स मैंने किया है, ये IR वाला है, इसके साथ मैंने T1 मिक्स कर दिया छोटा छोटा नीचे 16 इमेजेस करके, ये कोरोनल फ्लेयर फुल ब्रेन कोरोनल 22 हिप्पोकैम्पस एक्सेल T2 बढ़ा देना, एक्सेल डिफ्यूजन के साथ ग्रेडियंट, ये कोरोनल फ्लेयर थिन के साथ सैज जो IR वाला सीक्वेंस था 3D वो, ये क्या है प्राइवेट सेंटर है, इसके लिए ऐसा फिल्मिंग कहते हैं, फिल्मिंग देना पड़ता है। ठीक है, कोई कोई जगह पे क्या करते हैं कि सब सीक्वेंस एक सीक्वेंस एक पूरा फिल्म दे देते हैं, तो आपका इसका 10 एक फिल्म हो जाएगा यार, इतना जरूरत नहीं है, इतना बेसिक है, 4 फिल्म इतना कर दिया, 5th फिल्म जो है या लास्ट वाला ये ऑप्शनल है। ठीक है, फिर आपके कंसल्टेंट को पूछ लेना, कभी कभी क्या करते हैं कि कोरोनल थिन T2 जो लिया है हिप्पोकैम्पस फ्लेयर के साथ थिन T2 मिक्स कर देते हैं, ये निकाल देते हैं। ठीक है, वैसे भी फिल्मिंग करते हैं, कोई इशू नहीं है, बट ये मैं जो बता रहा हूँ ये मेरे टेक्निक के हिसाब से बता रहा हूँ कैसे फिल्म में डालना है, इतना फिल्म करोगे तो भी चलेगा, कोई इशू नहीं है, ये बढ़ा देना क्योंकि डिफ्यूजन इम्पोर्टेंट है, ग्रेडियंट भी इम्पोर्टेंट है एपिलेप्सी में, क्योंकि कैल्सिफिकेशन वगैरह रहता है तो वो ग्रेडियंट में दिखेगा, तो उसको ऐसा छोटा इमेज दोगे तो अच्छा नहीं लगेगा। ठीक है ना, सो फ्रेंड्स उम्मीद करता हूँ कि आपको समझ में आ गया होगा मेरा टेक्निक, सबका अलग अलग टेक्निक रहता है, ये मेरा बेस्ट बताने जा रहा हूँ कि मैं कैसे देता हूँ, वो हिसाब से मैंने वीडियो बनाई है, फिर आपके ऊपर भी है कि आपको कैसे देना है, कंसल्टेंट को पूछ लेना कि उसको कितना अच्छा कैसे लगता है। ठीक है ना, सो फ्रेंड्स उम्मीद करता हूँ कि आपको मेरी वीडियो पसंद आई होगी, आपको समझ में आ गया होगा, प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल एंड प्रेस बेल आइकन फॉर मोर अपडेट्स, थैंक्स फॉर वॉचिंग।